हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लोज टेस्ट का एक पैसेज लेकर आया हूं, जिसे सीजीएल एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, पैसेज के फर्स्ट लाइन के इस पार्ट से स्पष्ट हो गया कि ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, यानी पैसेज का टेंस पास्ट में होगा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब द लास्ट ऑफ द मुगल्स देयर ब्लैंक स्पेस नंबर वन रिवोल्ट्स, डमी प्रोनाउन देयर के बाद एक वर्ब टू बी की जरूरत है। चूंकि पैसेज हिस्टोरिकल है, अतः हमें पास्ट वर्ब टू बी की जरूरत है। देयर के साथ आने वाला वर्ब टू बी उसके बाद आने वाले नाउन पे डिपेंड करता है। आपका नाउन रिवोल्ट्स प्लूरल है, तो वर्ब टू बी प्लूरल वर्ग की जरूरत है। आइए देखते हैं ब्लैंक स्पेस नंबर वन के चार ऑप्शंस में कि वर्ग कहाँ है। नंबर ए हैव बीन, ये संभव नहीं है, एलिमिनेटेड। नंबर बी वॉच, ये भी एलिमिनेटेड क्योंकि हमें चाहिए प्लूरल। सी आर प्रेजेंट होगा नहीं, एलिमिनेटेड। डी वर, दिस इज द करेक्ट आंसर, वर ब्लैंक स्पेस नंबर वन को फिल इन करेगा। देयर वर रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर, ब्लैंक स्पेस नंबर टू, वर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास, द सिक्स, द जाट्स एंड। अब यहां सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट प्रोनाउन। वर्ब आपका वर्ब प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट भी प्लूरल चाहिए। तो ब्लैंक स्पेस नंबर टू के ऑप्शंस को देखते हैं, तो नंबर ए आपका दीज है, ये सही हो सकता है। अदर ऑप्शंस को भी एग्जामिन कर लें, दिस ये संभव नहीं होगा, एलिमिनेटेड। That singular है, ये भी संभव नहीं, eliminated। It भी आपका singular है, ये भी असंभव है, eliminated। So right answer आपका दीज हुआ। Blank space number टू के लिए option number A is the correct answer। The filler will be दीज। दीज were the revolts of the Marathas, the Sikhs, the Jats एंड ब्लैंक स्पेस नंबर थ्री अदर्स, अदर्स प्लूरल है, तो निश्चित रूप से यहां मेनी चाहिए थी कि पढ़ते ही, इर्द गिर्द के शब्दों को पढ़ते ही आप सही वर्ड को पकड़ लेंगे यदि आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर है, यानी यहां हमें मेनी की जरूरत है। तो ब्लैंक स्पेस नंबर थ्री के ऑप्शन को एग्जामिन करें, तो नंबर थ्री में ए आपका मेनी है, बिल्कुल सही आंसर, इसको मार्क कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी आपका ईच है, सिंगुलर होगा नहीं, अदर्स है, ईच अदर हो सकता है लेकिन ये म्यूचुअल रिलेशन दिखलाता है, एवरी अदर्स होता नहीं, अतः ये भी एलिमिनेटेड हुआ। एंड मोर अदर्स संभव है लेकिन इसे कंपैरेटिव डिग्री में जाना होगा। राइट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर ए, मेनी। ब्लैंक स्पेस नंबर थ्री के लिए फिलर आपने पकड़ लिया, मेनी अदर्स। After the death of Aurangzeb, the Mughal Empire began to blank space number four fairly fast, यानी टुकड़े टुकड़े में टूटने लगा, इस तरह का सेंस आ रहा है। तो blank space number four के options को देखें। Option number A, disperse का मतलब होता है to scatter, छितरा जाना, यहाँ छितराने का भाव है नहीं, so this is eliminated। नंबर बी डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब होता है किसी भी काम स्टेट में जो काम हो रहा है उसको बाधित कर देना, उसको में विघ्न डाल देना, जैसे यातायात में आप बीच में इधर से गाड़ी कोई उधर से घुसा ले रहा है तो डिसरप्ट हो जाता है, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल हियर, एलिमिनेटेड। नंबर सी आपका डिस्टर्ब है किसी भी पीसफुल स्टेट को, नॉइज के द्वारा या मूवमेंट के द्वारा डिस्टर्ब कर देना, इंटरप्ट कर देना, उसे तोड़ देना, तो ये भी आंसर आपका सही नहीं है। अब बचा आपके पास डी,
दिस इज द राइट आंसर, इसको मार्क कर लें. डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टू ब्रेक अप इंटू अ स्मॉल पार्ट्स, टू ब्रेक अप इंटू अ स्मॉल पार्ट, टुकड़े टुकड़े में विघटित हो जाना. तो ब्लैंक स्पेस नंबर 4 में आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, डिसइंटीग्रेट. Began to disintegrate fairly fast. The country soon, बहुत ही जल्द, blank space number 5 into a smaller territory, टूटना शुरू हो गया. आइए ऑप्शन blank space number 5 के दिए गए में दिए गए options को examine करें. तो break off, broke off, broke off का मतलब होता है अचानक टूट जाना, sorry, अचानक तोड़ देना. To break मतलब कोई व्यक्ति इसे तोड़ेगा, कोई चीज इसे तोड़ेगा. तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज एलिमिनेटेड. यस, ब्रोक अप, टू ब्रेक इनटू अ स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, तोड़ना नहीं टूट जाना. सो दिस इज द राइट आंसर, इसको मार्क कर लें आप. नंबर सी में ब्रेक इन, ये भी टूटना नहीं बल्कि तोड़ना होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, चूंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर ये इनटू हो जाएगा. दिस इज आल्सो एलिमिनेटेड. नंबर डी देखा जाए, ब्रोक आउट मतलब विस्फोट के साथ फैल जाना, किसी बीमारी का फैल जाना चारों तरफ, टू स्प्रेड वाइडली इसका अर्थ होता है. सो दिस इज आल्सो एलिमिनेटेड. तो ब्लैंक स्पेस नंबर 5 के लिए राइट फिलर आपका नंबर बी हुआ, ब्रोक अप. और इस तरह से आपका पैसेज कंप्लीट हो गया. ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, द लास्ट ऑफ द मुगल्स, देयर वर रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर. दीज वर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास, द सिख्स, द जाट्स एंड मेनी अदर्स. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द मुगल एम्पायर बिगैन टू डिसइंटीग्रेट, टुकड़े टुकड़े में टूटने लगा फेयरली फास्ट. द कंट्री सून ब्रोक अप इंटू अ स्मॉलर टेरिटरीज, many of which became more or less independent. इस तरह से blank space number 1 में right answer आपका were, option number D. 2 में option number A, these. 3 में option number A, many. 4 में option number D, disintegrate. 5 में option number B, broke up. आप blank space के इर्द गिर्द के शब्दों पर ध्यान दें और वहीं से फाइंड आउट करें राइट ऑप्शन. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग.